मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी आज, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। नहीं नहीं ऐसे, थैंक यू अंजुम जी। पिछले 40 साल का इतिहास है, संतोषानंद जी गवाह हैं और पंकज सुबीर नीचे बैठे हैं। 1 से 10 तक अगर किसी कवित्री का नाम हिंदुस्तान के मंच पर आता है तो वो केवल एक नाम है, जिसका नाम है डॉक्टर अंजुम रहबर। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा इंदौर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय अंजुम रहबर का स्वागत करे, उनका इस्तकबाल करे। आदरणीय अंजुम रहबर मंच पर विराजे, आदरणीय संतोष दा, कुछ मेरे अनुज भी हैं, कुछ अग्रज भी हैं, और इंदौर के सामईन हजरात, श्रोतागण और प्रजातंत्र अखबार का जो समूह है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे मंच कविताओं को लेकर बहुत खाली खाली नज़र आने लगे हैं, लेकिन आज मैंने कुछ छोटे भाइयों की कविता सुनी जिनको पहली बार सुना तो लगा कि मंचों पर अब कविता जिंदा होगी। आप लोग ये तो नहीं कहूँगी कि थक गए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, क्या नाम है, मुकुट दाना, मुकुट जी ने सौगरात ही करवा दी उन्होंने तो। बड़ी मैं बहुत दुविधा में थी, बहुत परेशान थी, क्या मुझे बुलाया जाएगा, मैं क्या करूँगी। चलिए मैं तो अपनी शायरी आपको सुनाऊँगी, एक बार तालियाँ बजा कर मुझे एहसास दिला दीजिए। शादी के बाद पहला नेक तो बड़ी बहन का ही लगता है ना, इसीलिए आपको बुलाया। तेरी यादों को प्यार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ, तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार करती हूँ, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी, कुछ कहूँगी तो अच्छी बात नहीं, स्वागत, अपनी अपनी किस्मतें हुआ करती हैं। अब शेर 4 पंक्तियाँ सुनेगा। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देखने को अच्छा तो लग रहा है ना, तेरी तस्वीर लेती हूँ। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, स्वागत, और एक वादा करती है अंजुम मेरे अपने इंदौर शहर में। एक मेरा रिश्ता था इस शहर से, वो सुनाकर जाऊंगी आज जो भी सारी दुनिया को मैंने नहीं सुनाया है, यकीन मानिए। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं होता, दिल किसी काम का वाह 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 नहीं होता। अब ये सिलसिला बहुत देर तक चला सकती हूँ, लेकिन अलग एक एक मतलब एक एक शेर। इतने करीब वाक्य सदा दे गया मुझे, जब एक पंक्ति को 2-3 बार पढ़ूं तो आप लोगों को क्या करना है, स्वागत,
इतने करीब वाक सदा दे गया मुझे, इतने करीब वाक सदा दे गया मुझे। वाह। मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। अच्छा। अब सुनना इंदौर वालों, शायरी पैदा होती है इंदौर शहर से। स्वागत। जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे। मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे। अब ये मक्ता बहुत कम पढ़ती हूँ लेकिन दिल करता है। उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे। एक मतलब एक शेर और सुनाती हूँ, फिर एक मुकम्मल गजल, पूरी गजल आपको सुनाऊंगी। स्वागत। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। जब एक पंक्ति को मैं 7-8 बार पढ़ लूं तो आपको तालियां बजाना है, ये समझ लेना। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। बहुत सारी बेटियां बहनें मुझे नजर आ रही हैं। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, अंजुम की जिंदगी का ये आईना है ये शेर। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अब जोरदार तालियां बजाएं जरा सा, मुझे भी सुकून आ जाए। एक गजल मैंने कपिल शर्मा शो में पढ़ी थी जी दीदी, बहुत देर से इस गजल के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं वो गजल सुना दूं। उस गजल की रदीफे नहीं चाहिए, अगर आप साहब मेरे साथ गुनगुनाएंगे, यूं कहूं कि मेरी इस गजल के साथ सफर करेंगे तो गजल का मजा दोबाला हो जाएगा। सुनाऊं? स्वागत है। इजाजत कैसे देते हैं इंदौर वाले। प्यार नजरों में आना शुक्रिया, अब मुझे अच्छा लगेगा। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। पता नहीं एक पीछे श्रोता बैठा हुआ है, उसको कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। अगर ठंड में भी ऐसा होता है तो बहुत गर्मी में बहुत परेशानी होती होगी आपको। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। माफी चाहती हूँ, 8 महीने बाद अपने छोटे भाई के बुलावे पे यहाँ हूँ, सर्दी का है तकाजा। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, बाकी मौसम खराब हो रहा है। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना
नहीं चाहिए। रात दिन मुस्कुराना नहीं, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। गरम पानी दो। रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी गजल, मैं बहुत मूड में सुना रही थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, इसमें दिखाने की दिखावे की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँ फिर सुनाती हूँ। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। अगला शेर और सुनाती हूँ। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। ज़्यादा देर तक मुस्कुराना भी दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना। आप मेरे साथ गाएं तो मुझे अच्छा लग जाएगा, थोड़ा सा मेरा साथ हो जाएगा। रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। बारिशों के इरादे खतरनाक है, खतरनाक है। क्या बात है, क्या बात। बारिशों के इरादे खतरनाक है, बारिशों के इरादे खतरनाक है। अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और जो शेर मुझे सुनाना है और इंदौर शहर में सुनाना है। भाई स्वागत अंजुन जी, वाह 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 वाह। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से। वाह, जिंदाबाद 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 अंजुन जी। मैंने ये सोच कर दे दिया, दे दिया दिल से। मैं इमोशनल हो रही हूँ। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी आज, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा देखिए अंजुम जी, मित्रों मैंने जैसा शुरू में कहा था, आज का काव्य समारोह अंजुम रहवर जी के लिए बहुत कठिन परीक्षा है। हम समझ सकते हैं कि आज वो किस दौर में आई हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है मेरा 30 वर्षों का साथ है अंजुम जी के साथ। वो संकट मोचक कवित्री हैं। कोई कवि सम्मेलन ना जम रहा हो तो हम अंजुम जी की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि अंजुम जी बस अब आपकी आवश्यकता है। और आज अंजुम जी निश्चित रूप से आपकी भी परीक्षा की घड़ी है। एक बार इंदौर के लोगों जरा ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अंजुम जी को हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए कि संकट की घड़ी में इस समय के वातावरण में देखिए जिस मंच को आपने जीवन के स्वर्णिम 45 वर्ष दिए हैं, आज वो चट्टान की तरह आपके साथ, वो लोग ताली बजाने वाले, वो श्रोता, वो आशीर्वाद देने वाले, आपके आशीर्वाद दाता आपकी हिम्मत बनकर खड़े हैं। ऐसे समय पर निश्चित रूप से आपका हौसला, मुझे पता है मेरी बहन पर मुझे पूरा विश्वास है। और मैं दो पंक्तियां अंजुम जी के सम्मान में पढ़ रहा हूँ। मित्रों आपकी इतनी तालियां बजनी चाहिए कि उनका हौसला वही लौट आए कि इस रसवंती रात में सुन तेरी आवाज़, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। जरा ज़ोरदार तालियां बजाइए और मेरा विश्वास है कि अंजुम जी पुनः अपने उस तेवर से आपको सुनाएंगे। आप अपना स्थान ग्रहण करिएगा। स्वागत दीदी। माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन आपकी सम्मोहब्बत ने मुझे फिर से एक हिम्मत एक हौसला दिया। मैं क्या हुआ है? बैठ जाइए बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, पीछे के लोगों को दिख नहीं रहा है, बैठ जाइए। हाँ क्या शेर पढ़ रही थी मैं? मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और ये शेर
अपनी जो नौजवान बहनों को, लड़कियों की बात कर रहा था मेरा छोटा भाई, तो तुम्हारे लिए भी ये सही होता है। हाँ। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, क्या बात है भाई, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए।